जब भी हिप हॉप की सबसे बड़ी बीफ की डिस्कशन होती है, उस डिस्कशन में जेजी और नास का बीफ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। सो ये जो जेजी और नास का बैटल है, टूपाक और बिगी के डेथ के तुरंत बाद स्टार्ट हुआ था। और उस टाइम पे लोगों को ये भी डर लगा हुआ था कि जैसे बिगी और टूपाक की जो बैटल थी वो वायलेंट हो गई थी और हम लोगों ने दोनों टैलेंटेड रैपर्स को बहुत ही कम एज में खो दिया था, कहीं ये बीफ भी उसी तरह से एस्केलेट ना कर जाए। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, पर हमें हिप हॉप हिस्ट्री के कुछ क्रेजी और ब्रूटल डिस्ट्रैक्ट देखने को मिले, विच इज टेक ओवर बाई जेजी एंड ईथर बाई नास। और बहुत सारे हिप हॉप ऑडियंस आज तक लाइक 2022 तक ये डिस्कस करते हैं कि इन दोनों में से किसका डिस्ट्रैक्ट था वो बेटर था और ये बीफ एक्चुअली जीता किसने था। सो करेंटली हमें देसी हिप हॉप में भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन देखने को मिल रहा है। टू ऑफ वेरी गुड आर्टिस्ट लाइक कृष्णा एंड एमिवे आर बीफिंग राइट नाउ और हमें उनके साइड से भी डिस्ट्रैक्ट एक्सचेंज देखने को मिल रहा है। सो दिस इज नॉट न्यू, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। एंड रैपर बैटल्स ईच अदर टू प्रूव हु इज द बेस्ट इन द गेम एंड इन दिस केस वी विल सी द बैटल बिटवीन जेजी एंड नास एंड वी विल फाइंड आउट हु इज द रियल किंग ऑफ न्यूयॉर्क। कैसे दो रैपर जो एक टाइम पे बहुत क्लोज थे, साथ में परफॉर्म किया करते थे, गाने रिकॉर्ड किया करते थे, गेट इन्वॉल्व इन वन ऑफ द बिगेस्ट बीफ इन हिप हॉप हिस्ट्री। और कैसे हम लोगों ने हिप हॉप के कुछ लेजेंडरी डिस्ट्रैक्ट लाइक टेक ओवर और ईथर देखने को मिले। और अगर तुम लोगों को नहीं पता है, ईथर इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट क्रेजी एंड ब्रूटल डिस्ट्रैक्ट टिल नाउ इन हिप हॉप हिस्ट्री। एंड इवन ईथर वर्ड इतना पॉपुलर हो गया था कि उसे ऑफिशियल डिक्शनरी तक में एड किया गया है। Okay, so Jay-Z versus Nas, you will know everything about this beef in this video. और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि ये beef actually जीता किसने था। So again, एक crazy video होने वाला है, entertaining video होने वाला है, for sure तुम कुछ ना कुछ सीख के जाओगे इस video से, entertain होके जाओगे। Video को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी skip मत करना। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैंने Twitter पे बहुत पहले account बना रखा था, पर उसमें मैं active नहीं था, तो अब से मैं Twitter पे भी active होने जा रहा हूँ, तो तुम लोग मुझे Twitter पे follow कर सकते हो। Twitter का link तुम्हें description में top में मिल जाएगा, so Twitter पे जरूर से follow कर लेना, वहाँ कुछ crazy बातें करेंगे हम, like हटके ही बातें करेंगे, so do follow in Twitter as well। Video start करने से पहले check the song of the day। कड़क बातें हमारी क्योंकि कलम है मेरी कबारी, भाई तेरा भाई बच्चों को गाना बनाना के आ गया कर दे घमंड, तेरे जैसे आर्टिस्ट लाखों इंडस्ट्री में, बेटा मैं आ गया हूँ कर ले प्रबंध, इंस्टा पे प्रॉपर रही सीधी खानी पर असली में खाते में पड़ रही है ठंड, ये नए नए फूल पहले अच्छे से खिल। गाने का नाम है कैच हिम, आर्टिस्ट है विनवर्ल्ड और फीचर है द क्रैक का। तो भाई लोगों ने एक बहुत ही बढ़िया ट्रैक बनाया है, ट्रैक लाइक लिरिकल है, लिरिक्स बहुत अच्छी है। सो मैंने इस गाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, लिंक में क्लिक करना और भाई लोग के कमेंट में जाकर ड्रॉप कर देना तुम रैप बॉट के चैनल से आए हो। रैप बॉट ने भाई लोगों को ढेर सारा प्यार भेजा है, ट्रैक बहुत अच्छा है, लिरिक्स बहुत अच्छी है एंड भाई लोगों के पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, तो जाकर तुम सपोर्ट करोगे तो भाई लोग हो सकता है कि, और अगर लाइक प्रॉपर फीडबैक दोगे कहाँ पे इंप्रूव कर सकते हैं, कौन सी चीजें जो है उसमें काम कर सकते हैं, तो भाई लोग लाइक मोटिवेट होंगे और भी गाने निकालेंगे। सो जाओ लिंक डिस्क्रिप्शन में, भाई लोगों को सपोर्ट करो। Okay, let's now come back to the video. So the biggest question is, ये battle like Jay-Z और Nas का ये battle start कैसे हुआ था और इस battle की root cause actually क्या थी? So अगर हम briefly बात करें या फिर अगर हम short में बात करें, तो ये subliminal diss exchange से start हुआ था, like दोनों sides हमें distract देखने को मिले थे या फिर subliminal shots देखने को मिले थे और धीरे धीरे ये चीजें add up होती रही और ये एक serious beef में convert हो गई। तो ये जो reason है ये Nas और Jay-Z अपने interview में बताया करते हैं, पर ये एक्चुअल रीजन नहीं है, एक्चुअल रीजन इससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इस बीफ के स्टार्ट होने की। सो जो पहली इंसिडेंट थी जिसकी वजह से ये बीफ की इनिशियल फेज स्टार्ट हुई थी, वो हुई थी 1996 में, जब जेजी अपना डेब्यू एल्बम रीजनेबल डाउट रिकॉर्ड कर रहे थे। जेजी ने उस एल्बम का पहला सिंगल रिलीज किया जिसका नाम था डेथ प्रेसिडेंट ऑन February 28th 1996, और इस सिंगल की वजह से ही जेजी और नास के बीफ का बर्थ हुआ था। सो इस सिंगल में जेजी और उनके प्रोड्यूसर ने ये डिसाइड किया कि वो नास के एल्बम इलमैटिक से, विच इज अगेन अ लेजेंडरी एल्बम, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसके एक ट्रैक को सैंपल करके यूज करेंगे। और जब जेजी के प्रोड्यूसर ने नास के ट्रैक को सैंपल किया, तो जेजी ने नास को कॉन्टेक्ट किया रिक्रिएटेड ट्रैक में अपना वर्स देने के लिए, पर उस टाइम पे नास ने जेजी को मना कर दिया कि वो स्टूडियो नहीं आएंगे और जेजी के साथ गाना रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और जेजी ने नास को उस गाने की म्यूजिक वीडियो के लिए भी अप्रोच किया था, पर नास ने उसके लिए भी मना कर दिया। और यहां से जेजी और नास के बीच प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट होने लग गई, बिकॉज जेजी के लिए ये चीजें जो थी वो थोड़ी सी डिसरिस्पेक्टिंग थी।
So, पहला सबलिमिनल शॉट इस बीफ में हमें नास के साइड से देखने को मिला जब नास ने अपना सेकंड स्टूडियो एल्बम ड्रॉप किया विच वॉज इट वॉज रिटन और ये एल्बम जेजी की डेब्यू एल्बम रिलीज होने के एक वीक के बाद ही ड्रॉप हुआ था और इस एल्बम के ट्रैक द मैसेज में नास ने मल्टीपल हिप हॉप आर्टिस्ट के ऊपर शॉट्स लिया था इंक्लूडिंग जेजी। तो जैसा मैंने तुम लोग इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि हिप हॉप की नेचर है कि रैपर्स जो है वो बैटल करते एक दूसरे से तो प्रूव हु इज द बेस्ट इन द गेम। जैसे करेंटली अगर हम DHH की बात करें तो कृष्णा और MAV की बैटल चल रही है, वैसे ही उस टाइम पे भी बैटल चल रही थी टू प्रूव हु इज द किंग ऑफ न्यूयॉर्क सिटी। सो 1994-95 के आसपास तीन रैपर्स थे जो न्यूयॉर्क किंग के कंटेंडर थे और तीनों ने ही उस टाइम के आसपास अपना डेब्यू एल्बम रिलीज किया था एंड द रैपर्स वेयर बिगी, नास एंड जेजी। और उस टाइम पे बिगी वाज द क्लियर विनर क्योंकि उनके जो प्रोजेक्ट्स थे और एल्बम थे वो कमर्शियली बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए थे। सो बिगी ने 1994 में अपना डेब्यू एल्बम रिलीज किया था विच वाज रेडी टू डाई और उसी साल नास ने भी अपना एल्बम ड्रॉप किया था जिसका नाम था इलमैटिक। पर नास का एल्बम कमर्शियली उतना ज्यादा हिट नहीं हुआ था, ऑन द अदर हैंड Biggie's album was a major hit and on that time it was like totally clear who is the king of New York City. Yes, Biggie. And even in July 1995 Source magazine ne Biggie ko king of New York officially crown kar diya tha. So Nas ka jo album tha Illmatic, it was a really good album and till now it is considered as one of the greatest album of all time. Par Nas ko wo commercial success nahi mila tha jiski wajah se us time pe Nas ko thodi डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। सो नास ने अपने सेकंड एल्बम के ट्रैक द मैसेज में बिगी को भी सबलिमिनल डिस किया था सेइंग देयर ओनली बी वन किंग। और इसके लिए हमें बिगी के साइड से भी रिस्पॉन्स देखने को मिला, दे वेंट बैक एंड फोर्थ बट सैडली ऑन मार्च ऑफ 1997 बिगी पास्ड अवे और बिगी के डेथ के बाद जो न्यूयॉर्क किंग का क्राउन था वो फिर से एक बार खाली हो गया था एंड नाउ देयर वेयर ओनली टू कॉम्पिटिटर्स लेफ्ट जो थे नास एंड जेजी। सो बिगी के डेथ के बाद जेजी ने ये क्लेम करना स्टार्ट कर दिया दैट ही इज द न्यू किंग ऑफ न्यूयॉर्क और जेजी के सेकंड एल्बम में भी हमें बहुत बार ये क्लेम सुनने को मिला पर नास ने इस चीज को अगेन सीरियस ले लिया क्योंकि अकॉर्डिंग टू नास ही वाज द किंग ऑफ न्यूयॉर्क एंड दिस बैटल अगेन एस्केलेटेड। सो बिगी के डेथ के कुछ महीने के बाद हमें जेजी का सेकंड एल्बम देखने को मिला विच वॉज इन माई लाइफ टाइम वॉल्यूम 1 और इस एल्बम में हमें जेजी के साइड से एक ट्रैक देखने को मिला एंड द नेम ऑफ द ट्रैक वॉज दिस सिटी इज माइन और तुम इस ट्रैक के टाइटल से ये गेस कर सकते हो कि जेजी इस गाने के थ्रू क्या क्लेम कर रहे थे। इस गाने में जेजी ने बिगी को ट्रिब्यूट दिया पर उसके साथ साथ ये भी क्लेम किया दैट ही इज द न्यू किंग of New York City. I'm the focal point like Biggie in his prime on the Lodo. And in a other track of the same album, Jay-Z ne ongoing debate like who is the best in New York, iske bare mein bhi reference diya. Iske 1.5 saal ke baad hame Nas ka ek aur studio album dekhne ko mila on April 6th 1999 और इसके एक ट्रैक जिसका नाम था We Will Survive, नास ने टूपाक और बिगी को ट्रिब्यूट दिया एंड ही टुक सम सबलिमिनल शॉट्स ऑन जेजी। These niggas is wrong, using your name in vain, and they claim to be New York's king. It ain't about that. And then comes a very interesting turn in this beef. So अभी तक ये beef जो था ये बहुत ज़्यादा professional तरीके से चल रहा था, and there were only shots in the tracks. पर इसके बाद ये जो beef है, इसने बिल्कुल ही एक personal turn ले लिया. Jay-Z decided to sleep with Nas. That time girlfriend, Carmen Bryan, who has kid with Nas. 1996 में Carmen जो थी वो Jay-Z से मिली और इनकी bonding जो है वो उस time पे बहुत ही ज़्यादा strong हो गई थी. And even she got pregnant with Jay-Z's child. और ये जो चीज़ें हैं ये 1996 से 1999 तक बिल्कुल भी बाहर नहीं आई थी और लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि Jay-Z और Nas के बीच कुछ ऐसी चीजें भी चल रही है एंड दिस वॉज अ वेरी सीरियस थिंग। लाइक कोई भी रैपर अगर किसी के बंदी के साथ टाइम स्पेंड करता है या फिर सोता है तो ये अगले रैपर के लिए, फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस द रैपर वॉज नास, नास के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस चीज थी। ओके सो चलो यहां तक तो चीजें फिर भी मैनेजेबल थी बट इन ईयर 2000 जेजी डिसाइडेड टू ड्रॉप अ ट्रैक नेम Is That Your Chick, जहां पे अगेन उन्होंने नास के ऊपर शॉट्स लिया एंड ही मेंशनड अबाउट हिज गर्लफ्रेंड एज वेल। She keep begging me to hit it raw. So she got my kids and say it was yours. How foul is she? And you wiped the shit. I put the rubber on tighter. So Jay-Z की एक आर्टिस्ट थे जिनका नाम था Memphis Bleek. And Memphis Bleek was big fan
ऑफ नास। और इन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी बताया है कि ही वाज द मेन रीजन जिसकी वजह से जेजी और नास की बीफ जो है वो स्टार्ट हुई थी। सो ब्लीक की एक एल्बम रिलीज हुई थी जिसमें एक ट्रैक में जेजी का फीचर था और उस फीचर में जेजी ने नास के ऊपर शॉट्स लिए थे और इसका रिप्लाई हमें नास के साइड से देखने को मिला था और नास ने एक ओपन बीफ के लिए इनवाइट किया था जेजी को। और ब्लीक अपने इंटरव्यू में ये बताते हैं कि वो एक वेकेशन पे थे और उनकी हुड के बहुत सारे लोगों ने उन्हें कॉल करके ये बोला कि नास जो है वो उन्हें डिस कर रहे हैं। और ये जो सबलिमिनल डिस एक्सचेंज थे दोनों साइड से ये हमें बहुत टाइम तक देखने को मिले। और इसके कुछ टाइम के बाद देयर वाज ए फ्री स्टाइल जिसमें हमें नास के साइड से एक वर्स देखने को मिला और इस फ्री स्टाइल में नास ने ना ही सिर्फ जेजी बल्कि पूरे रॉकफेला रिकॉर्ड्स के ऊपर शॉट्स लिया। और इसके रिस्पांस में रॉकफेला क्रू ने नास के इस वर्स का एक लाइव रेडियो फ्री स्टाइल में रिप्लाई किया। सो दिस हैपेंड इन ईयर 2021 और इस टाइम पे जेजी जो है वो पीछे बैकग्राउंड में एज ए हाइप मैन वहां पे प्रेजेंट थे और इस टाइम तक पूरे दुनिया को ये पता चल गया था कि जेजी एंड नास हैड सम सीरियस बीफ विद ईच अदर। और उसके बाद हमें जेजी की एल्बम में एक ट्रैक देखने को मिला वेयर ही वेंट ऑल आउट ऑन नास और उन्होंने उसमें नास को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू और स्ट्रीट कैपेबिलिटी के ऊपर शॉट्स लिया। But really, I don't need the heat. Your heart pump project, Kool-Aid, you sweet. And these jabs by Jay-Z were so strong ki us time ke 90% rappers ki career wo khatam kar sakti thi. But Nas was not among those 90% of the rapper. Nas was different aur Nas ko isse jyada kuch farak nahi pada. Nas was up against one of the most commercially successful rapper of that time. The rapper who was in the prime of his career. और जेजी को पास्ट में भी बैटल का एक्सपीरियंस था एंड ही ऑलरेडी हैड सम एक्सचेंज विद डीएमएक्स एंड एल कूल जे। और जेजी यहां पे नहीं रुके एंड फाइनली ही वेंट ऑल आउट इन दिस बीफ एंड ही ड्रॉप्ड अ फुल फ्लेज्ड डिस ट्रैक फॉर नास और उस डिस ट्रैक का नाम था टेक ओवर। God MC, me, Jehovah. Hey little soldier, you ain't ready for war. ROC too strong. और जब ये ट्रैक ड्रॉप हुआ जेजी के साइड से लोगों को ऐसा लगा इस ट्रैक का रिप्लाई हमें नास के साइड से देखने को नहीं मिलेगा और बहुत लोग को ऐसा भी लग रहा था कि नास इस ट्रैक का रिप्लाई कर ही नहीं पाएंगे। जेजी के पास स्टिल नास के बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ था। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया ही वेंट पर्सनल विद नास गर्लफ्रेंड और उनके बारे में भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो जेजी एक्सपोज कर सकते थे या फिर अपने ट्रैक में बता सकते थे। सो नास के पास ज्यादा चांस नहीं थे। ही ओनली हैड वन शॉट और उन्हें एक शॉट में जेजी को नॉकआउट करना था और ऐसा ही हुआ। नास ने हिप हॉप हिस्ट्री की वन ऑफ द बिगेस्ट एंड ग्रेटेस्ट डिस ट्रैक ड्रॉप की and he knocked out Jay-Z or his diss track ka naam tha Ether. Fuck with your soul like Ether. Teach you the king you know you. Godson across the belly. Aur is track ke sath Nas ne ye prove kiya how good poet he is, how good lyricist he is aur agar baat battle ki aati hai, beef ki aati hai, at that time no one can mess with Nas. And with the drop of Ether, Nas was declared as the winner by lot of hip hop audience. So, बहुत सारे लोग अभी भी डिबेट करते हैं कि जेजी विनर थे, बहुत सारे लोग नास को विनर मानते हैं, बट फॉर मी नास वाज द विनर क्योंकि अगर हम ईथर और टेक ओवर को कंपेयर करें ईथर वाज द बेटर डिस ट्रैक। ओके सो दिस वाज इट, दिस इज हाउ वन ऑफ द बिगेस्ट बीफ इन हिप हॉप स्टार्टेड एंड एंडेड। सो अगर तुम लोग इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो एंटरटेन हुए डू लेट मी नो इन द कमेंट। अगर तुम चैनल पे पहली बार आओ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर तुम सेकंड चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में, बाकी सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम वहां चेक कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स अगेन।